अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम न्यूज़ के साथ मैं हूँ सामर रियाज विर्क और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इनसाइड रिपोर्ट। नाज़रीन, कल सेनेट इलेक्शन हुए जिसमें सादिक संजरानी ने 48 वोट, यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए, जबकि 8 वोट मुस्तरद हुए जिनमें से 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी के थे। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने 54 और अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट हासिल किए। नाज़रीन, अब देखना ये है कि जो 7 वोट थे वो कैसे गलत हुए। कल से एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ये वाज़ेह कहा जा रहा है कि इस वीडियो में सेक्रेटरी सेनेट कासिम समद साहब, फारूक शमे, शीरी रहमा को ये समझाया जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन के लिए जो वोटिंग का प्रोसेस होगा ये किस तरह होगा, वोट किस तरह बनेगा, जो सेनेटर्स है वो किस तरह मोहर लगाएंगे। नाज़रीन, अब ये वीडियो आपने गौर से ये स्टैम्प होगा। यही चीज है, लेकिन हमने अभी चेयरमैन का जिस तरह फॉर्म है, चेयरमैन के लिए ग्रीन होगा और उनके लिए नाज़रीन, इसमें वाज़ेह तौर पर आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये खुद फरमा रहे हैं कि कैंडिडेट के खाने में कहीं भी मोहर लगाई जा सकती है, वोट वैलिड हो जाएगा। ये जो मोहरें लगी हैं ये यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर ही लगी हैं और इसमें काफी हद तक क्लियर है कि वोट यूसुफ रजा गिलानी के ही हैं। नाज़रीन, अब जो दूसरी बात है कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उस रात को सुबह 5 बजे सादिक संजरानी पार्लियामेंट से बाहर गए हैं। अब देखना ये है कि वो इतनी देर वहां क्या करते रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक काम किया है कि 9 मार्च को इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर जो रिटायर्ड मेजर हैं इनकी अपॉइंटमेंट की। इलेक्शन से पहले वो अपना टेन्योर छोड़ रहे थे तो इखलाकी तौर पर भी इनको इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं करनी चाहिए थी।